नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान। स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। बिग बॉस सीजन 14 के घर के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला कभी हिना खान से बात कर रहे हैं, कभी गौहर खान से बात कर रहे हैं। ऐसे मौके में सिद्धार्थ शुक्ला गौहर खान से बात कर रहे थे। भाई थोड़ा सा वहां पर डिस्कस चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मैटर पर नहीं, घर की बात को ही लेकर। ऐसे मौके में गौहर खान बहुत सारी बातें सिद्धार्थ शुक्ला से करती हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है। गौहर कहती हैं सिद्धार्थ से कि जो तुम यहाँ पर पूरी तरीके से जो टास्क कर रहे हो, इसको लेकर के तुम क्या कहना चाहोगे, मतलब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो सिद्धार्थ ने वहाँ पर साफ तौर से जवाब दिया, मैं सिर्फ यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ। मैं कोई किसी से, मुझे कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है और ना ही मेरा किसी में इंटरेस्ट है। जी हाँ, सिद्धार्थ ने खुलकर ये वाली बात गौहर खान से कही। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला पूरी तरीके से गौहर खान से बोलते हुए नजर आए, मैं यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, बट जो मुझे काम सौंपा गया है मैं वही सब अपना काम जो है वो कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं ये काम अच्छे से कर रहा हूँ। अब क्या फील होना क्या नहीं होना ये मुझे नहीं पता भाई, मैं पूरी तरीके से किसी को कोई फील नहीं कर रहा, बट हाँ ये है कि मुझको किसी भी लड़की के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे सिद्धार्थ शुक्ला गौहर खान से कहते हुए नजर आए, जो अनसीन अनदेखे 24 घंटे के मोमेंट्स के अंदर ये सब चीज़ें शेयर की जा रही हैं। तो बहरहाल देख लीजिए आप, सिद्धार्थ शुक्ला अपनी दिल की फीलिंग्स निकाल रहे हैं और साथ में जो बातें पूरी तरीके से, जो भी वो काम कर रहे हैं वो काम दिल से नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनिंग के लिए काम किए जा रहे हैं। इससे आगे सिद्धार्थ शुक्ला नहीं बढ़ रहे हैं। सिद्धार्थ का इंटरेस्ट किसी में भी नहीं है, वो सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब वो काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मन लगा के काम करते हैं। तो ऐसे में वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दिया जाए। सिद्धार्थ की फीलिंग हमें पता है किसके साथ में जुड़ी हुई है, सिद्धार्थ का किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ अगली अपडेट्स के लिए भी, जैसी अपडेट्स बाहर आती रहेंगी। मेरा काम है आप तक पहुंचाना। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ भाई, जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स पल पल की आपसे मिस ना हो सकें।